विधानसभा चुनाव 2023 में पुलिस और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है तस्करों पर लगाम लगाना। हालांकि पुलिस के स्तर से, प्रशासन के स्तर से इस पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन यह मादक पदार्थों की तस्करी की जो चैन है वह टूट नहीं रही है। आपको बता दें, गुजरात राज्य के अंदर शराबबंदी है, वहाँ पर शराब नहीं बेची जाती, लेकिन क्या वास्तव में वहाँ पर शराब बिकती नहीं है? सरकार ने तो शराबबंदी लागू की है, लेकिन वहाँ पर तमाम ऐसे शहरों के अंदर जो शराब है वह मिल रही है। गुजरात के अंदर शराब हालांकि बनाने के कारखाने बंद हैं, लेकिन राजस्थान की बात करें और हरियाणा पंजाब की बात करें तो यहाँ से हरियाणा पंजाब की जो निर्मित शराब है वह राजस्थान के रास्ते गुजरात में पहुंचती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो शराब का कारोबार तस्कर कर रहे हैं क्या वे सामान्य व्यक्ति हैं? नहीं हैं। बड़े बड़े सफ़ेदपोश इस धंधे के अंदर शामिल हैं और पुलिस और प्रशासन पर दबाव डालते हैं। जब कोई कार्रवाई होती है तो रातों रात उसका स्थानांतरण करवाने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए अधिकारियों के मन में कई बार सवाल उठता है कि कार्रवाई करेंगे तो कार्रवाई हमारे ऊपर, और नहीं करेंगे तो फिर अब चुनाव आयोग का डंडा है कि कार्रवाई करिए, मादक पदार्थ नहीं जाना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जब हम पुलिस पर आरोप भी लगाते हैं कि उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन कार्रवाई करने वाला कई बार ऐसा सोचता है कि कार्रवाई करने पर उसी का नुकसान होगा। इसीलिए जो बड़े बड़े तस्कर इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं उनकी ओर से धमकी भी दी जाती है, और धमकी देकर और पैसे का लोभ देकर तमाम ऐसे कारोबार करने वाले ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि लगातार उनका जो धंधा है, तस्करी का धंधा, वह चल रहा है। चुनाव अब सिर पर हैं और चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के द्वारा सख्ती की हुई है कि तस्करी लिखकर अवैध, जो जितने भी अवैध धंधे चल रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए ताकि मतदाताओं को लुभाने का काम नहीं किया जा सके। वैसे चुनाव आयोग को तस्करी से कोई लेना देना नहीं है, शराब बिकती है कोई लेना देना नहीं है, और अफीम, डोडा, इस प्रकार के मादक पदार्थ बिकते हैं तो चुनाव आयोग को वैसे देखा जाए इससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इस काम को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन, सरकार की ड्यूटी है। लेकिन चुनाव आयोग की एक धारणा, एक नियम है कि जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो तो उसकी जो ड्यूटी होती है कि मतदाताओं को किसी भी वस्तु को देखकर लुभावनापन उसके अंदर नहीं हो, यानी कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट मतदाताओं को लुभाकर अपना मत प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो। इसीलिए चुनाव आयोग ने यह नियम बनाए हैं कि चुनाव अवधि के दौरान जितने भी यह साधन है, चाहे हम शराब की बात करें, चाहे हम डोडा पोस्त की बात करें, फीम की बात करें, जो मादक पदार्थ है उसकी तस्करी और उसका बंटवारा तमाम ऐसे जिलों के अंदर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर नहीं होना चाहिए। एसपी और कलेक्टर की जिम्मेदारी यह डाली गई है, अधिकारियों पर डाली गई है कि इस प्रकार के जितने भी मादक पदार्थ हैं उसकी सप्लाई उनके ज़िले में नहीं होनी चाहिए। इसलिए हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर भी धरपकड़ जारी है, और अवैध, चाहे हम शराब की बात करें, अफीम, डोडा पोस्त की बात करें, डीजल पेट्रोल की बात करें, अब कार्रवाइयां हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लगातार प्रशासन और पुलिस मिलकर कर रही हैं, लेकिन चौकसी की अभी भी आवश्यकता है। अगर जनता साथ दे और जनता चौकसी रखे और सूचनाएं आदान प्रदान के अंदर तत्परता बरते तो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर और भी प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। अब जनता पर डिपेंड करता है, हालांकि जिस गांव के अंदर कारखाने चलते हैं जहां वह धंधे चलते हैं वह जनता की नज़र में भी होते हैं और प्रशासन पुलिस की नज़र में भी वह होने चाहिए,
और इस प्रकार के जो धंधे अब हनुमानगढ़ जिले के अंदर पकड़े जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए पकड़े जा रहे हैं, हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती है, लेकिन सभी मिलजुल कर अगर काम करें तो जो धंधे हैं अवैध रूप से धंधे हैं वह रुक सकते हैं, लेकिन लोगों का लालच और जो चमकदार जिंदगी जीने का उनके मन के अंदर सपना उठ खड़ा होता है वह जनता को और आम समाज के अंदर उसके जो सपने पूरा करने के लिए धंधे किए जाते हैं वह नुकसानदेह होते हैं। पहले जो है नशे पर लगाम लगाने के लिए हालांकि कार्रवाई होती थी, लेकिन अब नशे के जो तरीके हैं वह बदल चुके हैं, लाने के तरीके बदल चुके हैं। बहुत से ऐसे रास्ते कच्चे रास्तों से, पक्के रास्तों से और ऐसे साधन, आधुनिक साधन तस्करों के पास हैं और प्रशासन के पास नहीं होते हैं, इसलिए कई बार वह निकल भी जाते हैं और हथियारों से लैस होते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। देखते हैं और कितने मामले पकड़ने में हनुमानगढ़ पुलिस और प्रशासन सफल होता है।